चलिए गाइस कुछ करते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा टॉपिक नहीं करेंगे आज, क्योंकि कुछ बच्चे आज थोड़ा सा अपसेंट रहे हैं मौसम की वजह से। तो अभी स्टार्टिंग में हम नहीं चाहेंगे कि ज़्यादा छूट जाए ऐसा कंटेंट जिससे आगे के सारे टॉपिक डिपेंडेंट है। तो बच्चों, लास्ट क्लास मैंने तुम लोगों को ना एटॉमिक मास सिखाया था, याद आता है एटॉमिक मास क्या पढ़ा था हमने? बस आप लोगों ने, प्रियंका मुस्कान आपने क्लास अटेंड नहीं करी तो आप लोगों को नहीं पता होगा एग्जैक्टली क्या चीज़ है, बट रौनक आप सबने अटेंड करी है। सो मैं एक हल्का सा 5 मिनट का उसका एक रिकैप दे रहा हूँ। ठीक है। अगर बात करें हम यहां से शुरू करा था मैंने एटॉमिक मास। एटॉमिक मास तो नाम से समझ में आ रहा है क्या होगा, एक एटम का मास होगा, ठीक है। और एटम का मास किस किस की वजह से होता है? तो हमने बोला एटम के तीन तरह के पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। हालांकि न्यूक्लियस का जो वजन होता है वो किसकी वजह से होता है? प्रोटॉन न्यूट्रॉन। बाहर किसकी वजह से होता है? इलेक्ट्रॉन की वजह से। लेकिन कुल मिला के आपको बताया गया था कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं उनका मास लगभग बराबर होता है, और वो लगभग 2000 गुना ज़्यादा भारी होते हैं किससे? इलेक्ट्रॉन के मास से, 1837 गुना भारी होते हैं। तो अगर ये कहा जाए कि पूरे एटम के मास को ये बोल दिया जाए कि वो सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ही मास है, तो कुछ खास गलत तो है नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो बहुत हल्का है, ठीक है। आप लोगों को प्रियंका मुस्कान अगर ज़्यादा समझ में नहीं आए तो चिंता नहीं करनी, बाद में बता दूंगा बैकअप में क्या करना है, ठीक है। ये थोड़ा सा डिटेल टॉपिक है, मैं अभी तो ऊपर ऊपर से बात करने वाला हूँ। कोई नहीं, देख लूंगा अभी। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास बेसिकली बराबर होता है। तो कोई अगर ये कहे कि किसी भी एटम के अंदर क्या है, तो मैंने आपको एक तरीका बताया था कि एलिमेंट के नीचे जेड होता है, ऊपर ए होता है। जेड डिनोट्स द एटॉमिक नंबर व्हिच इंडिकेट्स द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एंड ऊपर वाला जो ए होता है वो डिनोट करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन जमा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो बेसिकली मैंने आपको ये बोला था कि जैसे हाइड्रोजन है तो उसके पास अगर एक एक है तो उसके पास एक प्रोटॉन है और एक भी न्यूट्रॉन नहीं है। हीलियम की बात करें तो 2 प्रोटॉन है और ऊपर का नंबर 4 है, तो 2 न्यूट्रॉन भी हैं। और लिथियम के पास 3 प्रोटॉन और 4 न्यूट्रॉन, तभी टोटल 7 बने। कार्बन के पास 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन, कुछ इस तरीके से मैंने बताया था। बस मैंने तुम लोगों को ये कहा था कि किसी भी एटम के मास को आप लोग कैसे लिखते हैं। जैसे कि कार्बन के पास 12 पार्टिकल्स हैं न्यूक्लियस में, तो उसका मास कितना है? 12U। और 12 के 12 पार्टिकल्स का मास कैसा है बोलो? एक जैसा, क्योंकि हम जानते हैं प्रोटोन और न्यूट्रॉन का मास कैसा होता है? सेम होता है, तो बोलेंगे 12U मास है। ऐसे बोलेंगे लिथियम का मास कितना है? 7U है। हीलियम का मास कितना है? 4U है। हाइड्रोजन का मास कितना है? 1U है। लेकिन कोई तुमसे पूछेगा U क्या होता है ना, तो आप बोलेंगे 1U कितने के बराबर होता है? 1U बराबर होता है 1.67 × 10⁻¹⁷ क्या? −27 kg। और ये 1U मैं किसको बोल रहा हूँ? एक पार्टिकल के मास को बोल रहा हूँ। कहीं कैसे निकाला आपने? तो हम कहेंगे हमने पूरे कार्बन के मास को नापा था केजी में, इतना निकला था एक कार्बन के एटम का मास। और वो कार्बन के एटम का मास कितने पार्टिकल की वजह से होगा? 12 पार्टिकल की वजह से। तो जैसे उस वैल्यू को 12 से डिवाइड करूंगा कितने का मास आएगा? 1 पार्टिकल का। तो इतनी वैल्यू को मैंने नाम असाइन कर दिया, बोलो क्या? 1U। देखो बच्चों, ज्यादा कुछ नहीं करा हमने, सभी के सभी न्यूक्लियस बने हुए थे किससे बोलो? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। सबके ऐसे थे, और बल्कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास सेम है। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि इसमें दो पार्टिकल बोलने की, बोलो 4 पार्टिकल एक जैसे मास के। इसमें 1 पार्टिकल है, इसमें 7 पार्टिकल एक जैसे मास के, इसमें 12 पार्टिकल एक जैसे मास के। तो पार्टिकल सब में एक ही जैसे। जैसे मैंने बोलता कि अलग अलग बैग्स के अंदर टमाटर है, लेकिन सबके पास टमाटर का जो साइज है ना, जो एक टमाटर का मास है सबके पास बोलो क्या है? सेम है। बस किसी के पास 12 टमाटर, किसी के पास 7 टमाटर, किसी के पास 4 टमाटर, किसी के पास 1 टमाटर। तो हमने बस इतना कहा था कि यार किसी तरीके से एक टमाटर का मास पता लगा लो। कितने का बोलो? एक का। जिसके पास एक का पता लग जाएगा तो क्या 12 वाले का पता लग जाएगा, 6 वाले का भी, 7 वाले का, सबका पता लग जाएगा। लेकिन हाइड्रोजन पे वो काम कर पाना संभव नहीं था, बिकॉज हाइड्रोजन गैस थी, तो हाइड्रोजन के ऊपर स्टडी कर पाना थोड़ा मुश्किल था। तो हमने किसको पकड़ा बोलो? कार्बन को। और कार्बन के एक एटम का मास नाप लिया भैया, इतना निकला। लेकिन मैंने बोला तो 12 पार्टिकल का मास होगा, कितने का होगा बोलो? 12 का। अब 12 पार्टिकल का मास है तो एक का नहीं है, 12 का है। हमें एक का पता लग गया तो सबका पता लग जाएगा। तो हमने कह रहे हो 12 पार्टिकल का मास इतना है, तो एक पार्टिकल कितना होगा? 12 से क्या कर दो? डिवाइड कर दो। 12 से जैसे मैंने डिवाइड करा ये निकल गया है 1.67 × 10⁻¹⁷ क्या? −27 kg। एंड डोंट कंफ्यूज विद दिस वैल्यू 10⁻²-27, इसका मतलब होता है नीचे आगे 10⁻²-27, मतलब 0.0000, बहुत छोटी वैल्यू केजी में। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो मैंने कहा एक कार्बन एटम का मास इतना है, तो 12 से डिवाइड करने के बाद निकल के आएगा एक पार्टिकल का मास, वो एक पार्टिकल का मास इतना है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसी को मैंने बोलो क्या बोल दिया? 1U बोल दिया, इसको नाम दे दिया 1U, ठीक है। तो इसके पास वैसे एक पार्टिकल था तो इसका मास कितना हो गया? 1U। इसके पास वैसे कितने पार्टिकल थे? 4, तो उसका बोलो मास कितना बोल दिया? 4U, क्योंकि एक पार्टिकल का मास 1U तो 4 पार्टिकल का मास 4U, 7 पार्टिकल का मास 7U। और कोई जानना चाहता है कि 7U कितना भाई? जैसे यू कितना भाई, मैं तो यू का मतलब ही नहीं बताता, बोलेंगे 7U का मतलब है 7 × 1.67 × 10⁻²⁷ क्या? −27 kg। तो जो चीज तुम एटॉमिक मास बचपन में याद करके बैठे थे यू यू करके, वो यू का मतलब हमें एग्जैक्ट आज से पता है अब क्या चीज है ना। तो मैंने तुम लोगों को बस कुल मिला के एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये बोली थी बच्चों, कि तुम लोगों को बस इतना याद करना है कि अगर आगे से कोई तुम्हें बोले
कि बताओ एटॉमिक मास ऑफ नियोन, और नियोन होता है 10-20। अब नियोन के अंदर क्या होंगे बच्चों, 10 तो प्रोटॉन होंगे और 10 न्यूट्रॉन होंगे, और इलेक्ट्रॉन का मास बच्चों इतना हल्का होता है ना इनके मुकाबले कि हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो टोटल कितने पार्टिकल है बोलो, 20 पार्टिकल है। कितने पार्टिकल है बोलो, जैसे कार्बन के पास 12 पार्टिकल है वैसे ही सेम मास वाले इसके पास कितने पार्टिकल है, 20। तो मास तो ऑब्वियसली बात ज्यादा ही होगा, और मैंने कहा कि अगर इसके पास 20 पार्टिकल है तो इसका मास बोलो कितना होगा, 20U। कितना होगा बोलो, 20U, क्योंकि हर पार्टिकल का मास बोलो कितना है, 1U। AU कैसे पता लगा, तो वही तो मैंने कहा ना बच्चों, AU किसको कहा गया, AU किसको कहा गया, तो मैंने कहा 20U को, 20U मेरे को समझ में नहीं आता, 20U मेरे को समझ में नहीं आता, मेरे को तो केजी में समझ में आता है, 50 kg, 60 kg जो भी। तो मैंने कहा 20U का मतलब है 20 × 1.67 × 10⁻¹⁹, हम इतने kg को बेसिकली 1U बोलते हैं, तो 20U का मतलब इतने हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और ये वैल्यू जो भी आएगा, व्हाटएवर वैल्यू आएगा, मतलब इतने इनटू में 10⁻²⁻²⁰ kg, अगर तुम थोड़ा तरीके से लिखोगे तो वो 0.000 कुछ ना कुछ आ जाएगा। तो मुझे ऑक्सीजन का एटम का मास ना अब सिर्फ यू में नहीं पता होता, मुझे किस में पता होता है बोलो, केजी में पता होता है। और ये मैंने कैसे निकाला कि 1U इतना होता है, तो मैंने पूरे कार्बन के मास को लिया और उसको 12 से डिवाइड करा, तो मुझे डेफिनेटली जो मास मिला होगा कितने का पार्टिकल का मास होगा, 1 पार्टिकल का मास। तो वो मास ही मुझे इतना मिला था, वो मास ही मुझे इतना मिला था। लेकिन बार बार वो 1 पार्टिकल के मास को ऐसे ना लिखना पड़े कि भाई 1 पार्टिकल का इतना, 4 पार्टिकल का 4 गुना, 7 पार्टिकल का 7 गुना, बार बार ऐसे ना लिखना पड़े, इसलिए मैंने इनको बोलो क्या लिख दिया, यू में लिख दिया कि इतने मास को 1U बोल दो, तो इसका मतलब 1U, 4U, 7U ऐसे बोला गया। ठीक है, बोलने को ये टॉपिक बहुत बड़ा भी नहीं है कि हम बोले कि बहुत जबरदस्त कुछ अलग सी चीज़ है, और भैया अगर नहीं समझ में आया तो बात फिर थोड़ी सी बड़ी भी है कि भैया यू क्या से आया भाई, क्लियर है कि नहीं? चीज़ तो सिंपल सी ही है। अब आप लोगों बच्चों ये चीज़ पूरी की पूरी प्रॉपर क्लास में कराइए, आधा पौना घंटा समझा के, तो थोड़ा सा आप लोगों को बैकअप क्लास का वेट करना, तभी समझ में आ जाएगा। ऐसे ही मैंने एटॉमिक मास कराया था, ऐसे ही मैंने तुम लोगों को मॉलिक्यूलर मास भी कराया था। मॉलिक्यूलर मास मैंने तुम लोगों को बताया था एक मॉलिक्यूल का मास क्या होता है। अच्छा, ऊपर डेफिनेशन भी दिया हुआ था 1U का, 1U बोलो क्या होता है, इट इज इक्वल टू द 1/12 ऑफ द मास ऑफ द कार्बन 12 एटम। एक कार्बन के मास को 12 से डिवाइड करने के बाद जो मास आता है बेसिकली, उतने को बोलो हम क्या बोलते हैं, 1U। और ये 1U जो आया बेसिकली वो इतना आता है, और ये बेसिकली कुछ नहीं है, ये न्यूक्लियस में बैठे 1 पार्टिकल का मास है, न्यूक्लियस में बैठे। अब जिसके पास 1 पार्टिकल है उसका इतना ही मास होगा, या 1U बोले या ये बोले। जिसके पास 4 पार्टिकल है तो इसका 4 गुना मास होगा, या तो 4 गुना बोल दो इसको, या 4U बोल दो। जिसके पास कितना होगा, 7U बोल दो, मेरी बात को है ना, कोई ज्यादा इसमें मुश्किल गेम नहीं है। अब बात करते हैं मॉलिक्यूलर मास की। तो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, मॉलिक्यूल किससे मिलके बनता है, एटम से। तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल किससे मिलके बना, दो हाइड्रोजन के एटम से, दो हाइड्रोजन के एटम से। तो हाइड्रोजन के दो एटम्स हैं, तो बोलो एक एटम का मास 1U होता है, दो हाइड्रोजन के एटम्स का कितना होगा, 2U। H2O का कितना होगा, तो H2O मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स है, 3 एटम्स है, दो हाइड्रोजन का और एक ऑक्सीजन का। एक हाइड्रोजन का 1U होता है, दो हाइड्रोजन का 2U हो जाएगा, एक ऑक्सीजन का 16U हो जाएगा, कितना हो जाएगा बोलो, 18U। क्लियर है? और यू से टेंशन नहीं लेना अभी में, यू का मतलब पता है एग्जैक्टली कितने केजीज होता है ना। और C6H12O6, तो 6 कार्बन इंटू 12U, 12 हाइड्रोजन इंटू 1U एंड 6 ऑक्सीजन इंटू 16U, टोटल नेट सेल करेंगे कितना आएगा, 180U आएगा। वो क्वेश्चन मैंने घर से आपको दिया था, करने को करा था आप लोगों ने। तो कितना आया इसका मास, अलग अलग बोले आप लोगों ने, तो कितना आ रहा है, यस 342U। तो 12 कार्बन से है, और हर कार्बन का मास कितना है, 12U। हर कार्बन का 12U क्यों है, दिमाग में पिक्चर रहनी चाहिए, क्योंकि कार्बन के न्यूक्लियस में कितने पार्टिकल होते हैं, 12 पार्टिकल होते हैं, इसलिए मास का बोलो कितना है, 12U। और अभी यू में ही लेके चलेंगे हम, बार बार वो इतना बड़ा नंबर ना लिखे 1.67 × 10⁻²⁷, इसलिए हम इसको 1U करके बात करते हैं। तो 12U इसका मास है, फिर 22 हाइड्रोजन का बोलो कितना होगा, 22 × 1U, और फिर 11 का बोलो कितना होगा, 11 × 16U। तो ये कुल मिला के हमारा 144 है, ये हमारा 22 है, और 16 को 11 से करेंगे बेसिकली, तो 176 ये हो जाएगा, तो 342 आया होगा शायद। तो 342U का मास बेसिकली इनके पास है, पूरे मॉलिक्यूल के पास, शुगर मॉलिक्यूल है। ठीक है, सो मैंने ना तुम लोगों से लास्ट क्लास जो डिस्कशन किया था ना बच्चों, दो चीज़ों को लेके करा था। एक टॉपिक जो मैंने तुम लोगों को करवाया उसका नाम था क्या, एटॉमिक मास, एंड जो दूसरा टॉपिक मैंने डिस्कस किया था उसका नाम था मॉलिक्यूलर मास। अगर तुम्हें ये दो चीज़ समझ में आ जाती है, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। क्लियर होता है कि नहीं होता है यहाँ तक? हाँ, ठीक है। देखो मैं बताता हूँ आपको, हमने ना एक्चुअली अभी कंसिडर नहीं किया है, बट अगर इलेक्ट्रॉन का मास कंसिडर करेंगे तो उसका मास 0.0005U करके कुछ होता है। ठीक है, तो लेंगे ना तो बहुत बड़ा चेंज उसमें
नहीं आता, क्योंकि अगर बहुत सारे एटम्स भी ले रहे तो बहुत बड़ा मेजर चेंज आता ही नहीं है उसकी वजह से, क्योंकि मास उसका बहुत कम होता है। कहीं ना कहीं जब आप एटम बहुत ज़्यादा लोगे तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मास भी तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे ना फिर, तो कहीं ना कहीं उसका मास नेग्लिजिबल हो जाता है। और नेट शेल देखते हैं तो वो बराबर ही मिलता है लगभग, लेकिन अगर बिल्कुल एक्यूरेट पॉइंट पे काम करोगे तो आपको इलेक्ट्रॉन का मास लेना पड़ेगा, ठीक है। तो वो चीज़ भी मैं बताऊंगा किस जगह पर आपको लेना है और कहां पर नहीं लेना। तो फिलहाल के लिए तो समझने के लिए हम उसको ऐसे कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है, ताकि वो समझ में आ जाए कि हमने जो बचपन में 12U 4U 7U 1U ये बोला क्या है, ठीक है। एग्जैक्टली तो ये एक से कुछ थोड़ा सा ज़्यादा यू होता है, 1.008U होता है, वो 12 से थोड़ा ज़्यादा होता है, 12.01U होता है एग्जैक्ट जो होता है, ठीक है ना। तो उस पॉइंट पे मैं भी आऊँगा, लेकिन फिलहाल अभी बस हमें ऊपर ऊपर से बात को समझना है कि एटॉमिक मास जो होता है मेन तौर पर किसकी वजह से होता है, न्यूक्लियस की वजह से होता है, क्योंकि न्यूक्लियस में कौन बैठे हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन्स तो कहीं ना कहीं उससे 2000 गुना हल्के हैं। तो हम सारा मास किसकी वजह से मान सकते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से। जितना मास इसको प्रोटॉन न्यूट्रॉन का समझ में आ गया, उसको एटम का मास भी समझ में आ गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं आया समझ में। अब मैं तुम लोगों को लेकर चलने वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे, ठीक है। ये बच्चों रहने वाला टॉपिक हमारा मोलर मास। ये टॉपिक हमारा नेक्स्ट रहेगा मोलर मास। अब ये बहुत जरूरी चीज है, ये क्या चीज है भाई मोलर मास, या मोलर मास से पहले मैं तुम लोगों को लेके आता हूं, इस कंसेप्ट का नाम है मोल कॉन्सेप्ट। और मोल कॉन्सेप्ट समझने के बाद हम समझेंगे मोलर मास, उसके बाद बहुत सारे पत्ते खुल जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पे हम पहुंचेंगे बच्चों, ठीक है। चलो समझने की कोशिश करते हैं व्हाट इज मोल कॉन्सेप्ट, ये मोल कॉन्सेप्ट क्या चीज़ है। मैंने बोला था ना मोल कॉन्सेप्ट आने वाला है, समझते हैं। लेकिन देखो बच्चों थोड़ा सा ना इसमें देखो, अगर कहीं पे भी लूप हुआ ना तो दिक्कत आएगा, जैसे कि अगर आप लोगों को ये टॉपिक अच्छा नहीं है ना तो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है ये टॉपिक, ठीक है। और आप लोगों को ये बहुत अच्छा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगा, तुम लोगों को बहुत बड़े समझ में आने वाला है, ठीक है। तो इसको भी देखेंगे। सो मोल कॉन्सेप्ट क्या चीज़ है भाई, इसको समझने की कोशिश करते हैं। सो गाइस जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे आप लोगों ने ना एक दर्जन का मतलब क्या बोला हुआ है आज तक, 12 आइटम्स। एक दर्जन का मतलब क्या बोला हुआ आप लोगों ने, 12 आइटम्स बोला है। एक स्कोर का मतलब तुम लोगों ने क्या बोला हुआ है, किसी को पता है? 20 आइटम्स को हम बोलते हैं एक स्कोर, ठीक है। ऐसे एक सर्टेन नंबर ऑफ बंच को ना हमने कुछ ना कुछ नाम दिए हुए हैं। जैसे दुकान पे जाते हो तो आप बोलते हो 6 दर्जन केले दे दो, आप कभी भी जाके उसको 72 केले नहीं बोलते ना, आपको 6 दर्जन केले नहीं, आप बोलोगे 6 दर्जन केले दे दो, सामने वाले एकदम समझ जाता है कि 72 दर्जन केले की, 72 केले की बात कर रहा है। बोलो ऐसे ही है कि नहीं? सिंपल। अब डजन का मतलब इंडिकेट करता है कितना, बोलो 12। स्कोर का मतलब इंडिकेट करता है 20 आइटम। मैं दुकान पर जाके बोल दूँ, मान लो स्कोर अगर बहुत ज़्यादा चलन में हो तो मैं बोल दूँ मुझे 3 स्कोर चेयर चाहिए, तो इसका मतलब मुझे 60 चेयर चाहिए। कितनी चेयर चाहिए? बोलो 60। तो स्कोर मतलब समझ में आता है। अच्छा, मैं जैसे क्विंटल बोलता हूँ तो आपके दिमाग में 100 चीज़ें आती हैं। एक क्विंटल मतलब 100 kg होता है, ठीक है ना, लेकिन 100 का अंदेशा दिमाग में आता है। एक टन बोलता हूँ तो किसका अंदेशा आता है? 1000 का आता है। तो ऐसे हमने एक सर्टेन टर्म्स बनाई हुई जिससे ना हम एक बड़े नंबर को सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं ना, एक छोटे टर्म्स में। बोलो क्लियर है कि नहीं? गाड़ी में 7000 किलो सामान आ रहा है, 7000 किलो नहीं बोलने की होता, 7 टन बोल दो। क्या बोल दो? 7 टन। तो छोटे नंबर में काम चल जाएगा। बोलो एग्री करते हो कि नहीं करते? तो वैसे ही क्या हुआ कि किसी भी सब्सटेंस के अंदर अगर आप बात करोगे एटम्स की, मान लो कि बात करें मेरे पास लकड़ी का डस्टर है, उस लकड़ी के डस्टर में कितने कार्बन के एटम है, तो कहीं ना कहीं एटम्स की संख्या तो बहुत बड़ी होने वाली है। थोड़े बहुत तो एटम खुशी नहीं होने वाले। एक गिलास पानी पी रहा हूं, उस गिलास पानी में H2O के मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? बहुत सारे होने वाले हैं। इतना तो अंदाजा है, मॉलिक्यूल जितने छोटे हैं, एटम जितने छोटे हैं, इसके हिसाब से तो सर बहुत सारे एटम्स और मॉलिक्यूल्स इनमें मिलने वाले हैं। बोला एग्री करते हो नहीं करते? तो एटम्स की संख्या ना बहुत ज्यादा होने वाली थी, तो एक बहुत बड़ी यूनिट की जरूरत पड़ने वाली थी। वो बहुत बड़ी यूनिट जो हमने बनाई ना, जैसे कि दर्जन होता है वैसे स्कोर होता है, वैसे ही एक और होता है बच्चों, इसको बोलते हैं एक मोल। क्या बोलते हैं? एक मोल। और ये एक मोल कितना होता है? ये एक मोल होता है 6.022 × 10²³ आइटम्स। किसी ने इसको लिखा हुआ है 6.022, किसी ने लिखा हुआ है 6.023, चलेगा बच्चों, दोनों चलता है। 6.022 × 10²³ आइटम्स। अब ये क्या माज रहा है भाई? तो ये मैं एक बार पॉइंट हटा के दिखाता हूं, तो एग्जैक्टली नंबर समझ में आएगा। पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे कितनी जीरो आएंगी? 3 जीरो आएंगी। इधर 10³³ है, 3 जीरो कट जाएंगी। बोलो कितना आ जाएगा? 6022 × 10³ क्या? 20 आइटम्स। इसका मतलब 5, 5, 5 और ये 5। इतने सारे आइटम्स को बोलो क्या बुलाया जाता है? एक मोल। पता है बच्चों साइंटिफिक नोटेशन में, देखो मैं वैसे बार बार अगर इतना बड़ा नंबर लिखूंगा ना तो ये बड़ा बेकार सा लगेगा, इतना बड़ा नंबर बार बार कैसे लिखूंगा। तो इसी को साइंटिफिकली कैसे लिखा गया है? 6.022 × 10³ क्या? 23।
सो डोंट बी कंफ्यूज विद दिस नंबर कि वही चीज ये वाली भी बिल्कुल है. तो इतने सारी संख्याओं को बोलो हम क्या बोलते हैं, एक मोल. अगर मुझे इतने सारे भाई केले लेके आने तो मैं क्या बोलूंगा, एक मोल केले मतलब इतने सारे केले, है ना. एक मोल चेयर मतलब इतनी सारी चेयर. एक मोल पॉपुलेशन इसका मतलब इतनी पॉपुलेशन. हालांकि इतना बड़ा नंबर हमारी रियल लाइफ में आप कहेंगे सर हमने तो मोल कभी सुना नहीं, क्योंकि रियल लाइफ में आप मोल का इस्तेमाल कर ही नहीं सकते, क्योंकि रियल लाइफ में इतनी संख्या में कोई चीज एग्जिस्ट करती ही नहीं है सिवाय एटम्स के. एटम्स मॉलिक्यूल्स किसी भी लकड़ी के डस्टर में कितने कार्बन के एटम्स है एग्जिस्ट करेंगे मोल्स में. इतनी संख्या होती है ना कि हम उनको बार बार ऐसे इतना बड़ा नंबर बोल नहीं सकते. तो हमने कैसे बोलना शुरू करा, मोल में. जिस दर्जन में बोलते हैं वैसे मोल में बोलना शुरू करा. लोहे का एक मेरे पास स्टिक है, लोहे की रोड है, उस लोहे की रोड में कितने आयरन के आइटम्स है तो मोल में बात करूंगा. किसमें बात करूंगा, मोल में. जैसे मैंने बोला कि मेरे पास एक लोहे की रोड है, मैंने बोला मेरे पास एक लोहे की रोड है, आयरन रोड है, आयरन रोड, और उसमें जो आयरन के एटम्स है ना, दिस इज द एटम्स ऑफ आयरन, आयरन के जो एटम्स है ना, तो मैंने बोला दो मोल आयरन एटम्स, दो मोल आयरन एटम्स. तो मेरे को समझना है, जैसे मैं दो दर्जन आयरन एटम तो 24 एटम है, लेकिन मैंने बोला दो मोल आयरन एटम्स, तो उसका मतलब ये तो एक मोल है, तो दो मोल कितना होगा, इसका दुगना होगा, इसका कितना होगा, दुगना. तो वन मोल इज नथिंग. आप मोल कॉन्सेप्ट को कोई बहुत बड़ा हवा मत समझिए. मोल कॉन्सेप्ट का मतलब सिर्फ इतना सा, जैसे एक दर्जन का मतलब 12 होता है, एक स्कोर का मतलब 20 आइटम्स होता है, वैसे एक मोल का मतलब कितना होता है, 6.02×10^23 आइटम्स. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, पहली चीज आप मुझे बताइए क्लियर होती है कि नहीं होती, है ना भाई, समझ में आती है बात. इस नंबर को ना हमने एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो ने दिया बेसिकली, तो इस नंबर को एवोगैड्रो नंबर बोला गया. एंड ये मेरी नजर में या उनकी नजर में एक बेसिकली मैजिक नंबर था. अभी कैसे मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ. पहले आप मुझे बताओ दो मोल आयरन एटम्स का मतलब बताओ कितना है, दो मोल आयरन एटम्स का मतलब बताओ कितना है. एक मोल का मतलब इतना है, तो दो मोल का इसका दुगना, इसका दुगना कितना आएगा, 12.044 × बोलो क्या 10^23 आइटम्स. अरे नहीं आया समझ में, है ना. और मैं इसका पॉइंट डाऊंगा नीचे, 3 जीरो लाऊंगा तो काट दूंगा, तो बात तो वही आएगी. वैसे 12 0 4 और पीछे कितनी जीरो बोलो, 20 जीरो. तो वो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टैंडिंग है सर इतनी. बोलो क्लियर है कि नहीं. तो सबसे पहली चीज मुझे मोल कॉन्सेप्ट के अंदर तुम बताओ मीनिंग ऑफ वन मोल समझ में आया कि नहीं आया. मीनिंग ऑफ वन मोल सर, ये एक मोल का मतलब क्या है, मुझे ये समझ में आ गया तो मैं मोल कॉन्सेप्ट की बात खत्म करूंगा. पहले बात क्लियर होता है कि नहीं होता. अगर कोई बोलेगी किसी भी सब्सटेंस के अंदर दो मोल एटम है तो मैं समझ जाऊंगा कितने एटम है. बोलो तीन मोल एटम है समझ जाऊंगा, पांच मोल एटम है समझ जाऊंगा. कोई बोले कि इतने एटम है तो कितने मोल हुए तो भी निकाल लेंगे. जैसे मैंने बोला कि मैं भैया दुकान पे गया, मैं 36 केले लेके आया, बताओ कितने दर्जन है, तो आप बोलेंगे 3 दर्जन है. बोलो है कि नहीं, क्योंकि तुम्हें पता है उसको 12 का एक होता है तो 36 का कितना होएगा, 3 होएगा. नहीं आ रहा समझ में ये चीज. तो मेरे को अगर कोई बोलेगा इतने मोल आइटम है तो मैं निकाल लूंगा ना. पहली चीज क्लिक कर रही है कि नहीं कर रही, सिंपल पॉइंट पे हमने बात कर ली है. लेकिन अब आते हैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज पे. अब कुछ बच्चे मुझसे ये कहते हैं, बड़ा अच्छा सवाल है ये, ठीक है, अगर कोई सोचता है इतना तो ठीक है. एवोगैड्रो ने ये नंबर दिया, एवोगैड्रो ने 6.02×10^23, और ऐसी चीज है ना कोई खुरापाती बच्चा ही सोचता है. वो ये कहता है कि सर ये नंबर उसने एक मोल ऐसा दिया, जैसे एक दर्जन 12 होता है, उसने इस नंबर को आसान क्यों नहीं रखा, उसने इसको 6×10^23 क्यों नहीं रखा, उसने इसको 7×10^23 क्यों नहीं रखा. ऐसा रख लेता तो मेरे को भी थोड़ी आसानी रहती याद करने में, पता नहीं क्यों 6.02×10^23 ऐसा क्यों करा, है ना भाई. उसको बड़ा नंबर चाहिए था. देखो पहली चीज उसको क्या नंबर चाहिए था, बोलो बड़ा. बड़ा क्यों चाहिए, क्योंकि किसी भी सब्सटेंस में एटम की संख्या बहुत बड़ी थी, तो दर्जनों से काम चलने वाला नहीं है. अगर बहुत बड़ा कोई संख्या में कोई चीज है तो उसको दर्जन में भी लाऊंगा 12 से डिवाइड करके, तो भी वो बहुत बड़ा ही नंबर रहेगा. बोलो मानते हो कि नहीं मानते. अरे कोई चीज करोड़ों में है, अगर उसको दर्जन में भी लिखूंगा तो लाखों में तो आएगी ना, इतने लाख दर्जन. बोलो है कि नहीं. तो दर्जन में काम चलने वाला चाहिए, तो एक बहुत बड़ी यूनिट की यूनिट थी भैया वो. बड़े बहुत बड़ी यूनिट हमने क्या बनाई, बोलो मोल बनाई. तो कहते हैं सर बड़ी यूनिट बना लेते, लेकिन 6×10^23 लेते, 7×10^23 लेते, इन्होंने 6.022 ही क्यों लिया. बोलो है कि नहीं, सोचने वाली बात तो है. ऐसा ही क्यों लिया, स्पेशल नंबर ही क्यों लिया. क्लियर है, बात करें इसके ऊपर एक बार कि ऐसा क्यों करा उन्होंने. चलिए समझने की कोशिश करते हैं बच्चों. इससे तुम्हें समझ में आएगा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जिसकी बात मैं करने वाला हूँ, मोलर मास. और जब मैं तुम्हें मोलर मास समझा दूंगा ना, फिर देखना तुम कितनी जबरदस्त चीज हम सीखेंगे केमिस्ट्री के अंदर. जैसे तुम्हें मोलर मास समझ में आएगा ना, तुम्हें एक बहुत जबरदस्त चीज समझ में आएगी केमिस्ट्री में. तुम्हें समझ में आएगा इवन तुम घर में एक ग्लास पानी पी रहे हो ना, उस एक ग्लास पानी में कितने H2O के मॉलिक्यूल्स हैं. तुम्हारे पास लकड़ी की कोई चीज हाथ में है ना, उस लकड़ी की चीज में कितने कार्बन के आइटम है. लोहे की चीज हाथ में है ना, कितने उसमें आयरन के आइटम्स है. तुम ये निकाल पाओगे सिर्फ किसके जरिए, बोलो मोलर मास के जरिए. इतना जबरदस्त टॉपिक है, ठीक है ना. तो थोड़ा सीखना शायद हो सकता है आज हमारा पूरा भी ना हो पाए, और आज उतना क्लैरिटी तुम लोगों को आए भी ना, क्योंकि समय थोड़ा सा कम है हमारे पास आज. लेकिन कोशिश करेंगे कि पूरा हो सके. सो गाइज, तो अभी एक बात, लेकिन मैं वही बात कहूंगा बच्चों, उसके लिए तुम्हें ये टॉपिक आना बहुत जरूरी है जो मैंने तुम्हें पहले कराया था, ठीक है. अब ये टॉपिक थोड़ा सा बस प्रियंका मुस्कान को दिक्कत करेगा,
सो गाइज मुझे एक बात बताओ, हाइड्रोजन की अगर तुम बात करते हो, हाइड्रोजन की बात करते हो, तो हाइड्रोजन कैसा होता है बोलो? एक प्रोटॉन होता है, जीरो न्यूट्रॉन होता है, कुछ ऐसा ही होता है। इसका सब बच्चे एटॉमिक मास जानते हो कितना होता है? 1U। चलो हीलियम का बता दो एक बार। फोर यू। लिथियम का? और हमने रटा नहीं है कि 7U होता है, बस हमें पता है व्हाई इट इज कॉल्ड 7U, सिंस इट कंटेन्स 7 पार्टिकल्स इन द न्यूक्लियस एंड ईच पार्टिकल इज ऑफ द सेम मास, ईच पार्टिकल इज द सेम मास एंड एवरी पार्टिकल इज अ मास ऑफ 1U, तो 7 पार्टिकल्स इज अ मास ऑफ 7U, है ना। और ये मैं कहां से निकाल के लाया? तो मैंने कहा कार्बन था ना भाई, कार्बन के अंदर 12 पार्टिकल थे, हमने उसके 12 पार्टिकल का बेसिकली पूरा 12 पार्टिकल का हमने मास देखा कितना था, 12 से डिवाइड करा तो एक पार्टिकल का मास आ गया। उस एक पार्टिकल के मास को, वैसे तो केजी में कुछ और होता है 1.67 × 10⁻¹⁹, उसको बोल दिया 1U, उसके बाद 7 पार्टिकल, 7U, 4 पार्टिकल, 4U, ऐसे पता है भाई, ठीक है फाइन। तो एक एटम का मास मुझे ये पता भाई। अब मैं निकालने जा रहा हूँ बच्चों इन सबका मोलर मास। क्या निकालने जा रहा हूँ? अभी मोलर मास क्या होता है? मोलर मास से घबराना नहीं है, इसके नाम में छिपा हुआ है मोल का मास, मतलब एक मोल एटम का मास। एक तो होता है एक एटम का मास और एक होता है एक मोल एटम का मास। जैसे बोलूं एक केले का मास और बोलूं एक दर्जन केले का मास, तो फर्क हो गया भाई, बोल एक ही रहे, बोल एक ही रहे, लेकिन दोनों में फर्क हो गया नंबर्स में। मैंने बोला एक एटम का मास और बोला एक मोल एटम का मास, तो एक मोल में तो एटम बहुत सारे हो गए ना, कितने हो गए? 6.022 × 10³³। सो गाइज नाउ आई एम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द, अभी मैं किस चीज के इंटरेस्टेड हूं? मैं एक एटम का मास जानता हूं 1U, और अब मैं निकालने वाला हूं एक मोल हाइड्रोजन के एटम्स का मास, तो बोलूंगा उसका मोलर मास। क्या बोलूंगा? उसका मोलर मास का मतलब होता है एक मोल किसी भी चीज का मास क्या होता है? उसका मोलर मास। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो फटाफट से गाइस निकालना शुरू करेंगे। कहीं सर कैसे निकाले, कैसे निकाले? मेरे को लगता है यार बहुत सिंपल यूनिटरी लगनी है, बहुत सिंपल यूनिटरी लगनी है। जरा बताओ अगर एक चीज का मास 1U है तो दो एटम्स का कितना होगा? 2U। तीन का बोलो कितना होगा? 3U। 100 का कितना होगा? 100U। ऐसे तो होगा ना। तो मैंने बोला भैया मैंने बस ये यू में नहीं, अब मैं चाह रहा हूं मैं ग्राम में निकालूं। किसमें निकालूं बोलो? ग्राम में। सब बच्चे फोकस करेंगे, एक यू का मतलब कितने केजीज था? 1.67 × 10³ kg में था बच्चों, फोकस करना है। ये एक यू को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, पहले मुझे बताओ, एक यू को मैं इतने केजी लिख सकता हूँ रौनक? और मैं केजी की जगह अगर ग्राम में लाना चाहूँ तो किससे मल्टीप्लाई करूँगा? 1000 से। तो मैंने 1000 से और गुना कर दिया बच्चों, तो किस में आएगा बोलो? ग्राम में। लेकिन मुझे बताओ ये तो कितने एटम का मास है? एक एटम का। कितने का बोलो? एक का। तो मुझे कितने का निकालना है? एक मोल का। कितने का निकालना है? तो एक मोल का बोलो कितना होएगा? तो एक मोल होएगा 6.022 × 10³ क्या बोलो? 23। 6.022 × 10³ क्या? 23 इंटू में ये वाला, क्योंकि भैया एक मोल एटम ये रहे, हर एटम का मास 1U, 1U मतलब कितना? 1.67 × 10³ क्या? −27 kg। और kg की जगह अगर ग्राम में लाना तो 1000 से क्या कर दिया? गुना कर दिया। डोंट वरी अबाउट दिस नंबर जो मैं अपने बोर्ड पे लिख रहा हूँ, मैं तुम्हें सिखाना चाह रहा हूँ कि मैंने ऐसा ही क्यों 1 मोल लिया था। और ये थोड़ा सा शुरू में मुश्किल लगेगा बस, उसके बाद तुम देखना नेक्स्ट क्लास से तुम्हें कितना इजी लगने वाला है। सो गाइस मल्टीप्लाई करें एक बार, देखना कितना आसान होने वाला है। ये जो 10³ 23 है, 10³ −27 है, 10³ 3 है, बेस सेम है सबके। बोलो 23 और 3 कितना हो जाएगा? 26। और 26 में से 27 घटेगा तो वो −1 बचेगा, तो बचेगा 10³ कितना? −1। और तुम लोगों को टेंशन नहीं होती, 6.022 × 1.67 कर लो, 6.022 × 1.67 कर लो, ये नियरली 10 आने वाला है। नियरली क्या आने वाला है? मेरे को पता है, आप कर लेना घर पे। 6 × 1.5 वैसे 9 आता है, और 6 × 1.67 लगभग कितना आएगा? 10 आएगा, करके देख लीजिएगा, 10 आ रहा है। तो 10 × 10⁻¹, वो 10⁻¹ नीचे ले आओ, 10 हो जाएगा आंसर। बोलो कितना आ गया? 1। और किस में आया बोलो? ग्राम में आया, क्योंकि ग्राम में करा है। और ये कितने का मास है? एक मोल का। कितने का मास है? एक मोल का। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, अभी सुनते चलिए बस आप लोग। तो मैंने बोला एक एटम का मास कितना है बोलो? 1U। और एक मोल एटम का मास कितना है बोलो? 1 ग्राम। कितना है बोलो? 1 ग्राम। अभी बात थोड़ी सी और समझानी जरूरी रह गई है, सुनते चलिएगा। अभी मैं चीज़ें मन में थोड़ा सा डाउट रह रहे होंगे, सर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कुछ बात थोड़ी सी समझ नहीं आई। चिंता मत करिए, समझाइए अभी है भी नहीं पूरी तरीके से। 4U की बात करते हैं एक बार। बोलो एक हीलियम के एटम का मास कितना? 4U। एक मोल हीलियम का निकालते हैं। कितने का बोलो? एक मोल हीलियम का। एक मोल हीलियम का खुशी कैसे निकालेंगे? सर एक मोल एटम कितने होते हैं? इतने दो होते हैं एक मोल एटम। एक हीलियम का कितना है बोलो? 4U। 4U मतलब कितना बोलो? 4 × 1.67 × 10³ क्या? −27 kg की जगह अगर मुझे ग्राम में लाना तो बोलो क्या करूंगा? 10³ से मल्टीप्लाई करूंगा। क्लियर है कि नहीं? चलो फटाफट से बोलो 10³ 23, 10³ 3, 10³ −27, बोलो कितना हो जाएगा? प्रिंस यहां पर नोट करो, 10³ −1, प्रिंस लिखो मत, इधर देखो। तो 10³ 23, 10³ 3 और 10³ −27 कितना आएगा? 10³ −1 आएगा।
6.022 into 4 into 1.67. Guys, focus करेंगे. This number into this number. This number into this number. 10 था? और 10 into में 4 बोलो कितना होगा? 40 होएगा. तो ये आ गया 40 गुना में 10 की पावर माइनस 1 जो कि हो जाएगा 40 बाय में 10. आंसर बोलो कितना आ गया? अभी समझेंगे. कुछ कुछ मुझे दिखने लगा है. 1, 1, 4, 4. बताऊंगा क्यों सिखा रहे हैं सर. हाँ यही तो बात हो गई. देवदत्त बिल्कुल सही सोच रहे हो तुम. यही तो बात मैं तुम्हें सिखाना चाह रहा हूँ. अब 7U है बच्चों. 7U का मतलब बोलो कितना? एक मोल का हो जाएगा 6.02 × 10³. 7U का बोलो 7 × 1.67 × 10³ कितना बोलो? -27. एक का बोलो कितना आ जाएगा? 1000. और भैया आपको भी एक पैटर्न दिखने लगा. अब एक पैटर्न दिखने लगा यार. सर हर बार तो ये ना है 10 की पावर माइनस होना आ जाएगा 6 वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू सर हर बार 10 होएगा, 7 से गुना होएगा 70 हो जाएगा. और सर ये तो फिर 7 ग्राम आ गया. अब मेरे को एक चीज समझ में आने लगी. अब मैं उसके लिए कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ. अब मैं उसके लिए कैलकुलेट, अब मैं सीधा याद करूंगा. कार्बन के एक मोल का मास कितना होएगा? 12 ग्राम. कार्बन के एक मोल का मास कितना होएगा? समझते हैं बच्चों मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. समझो, अभी समझना है आप लोग, ध्यान सुनना है. ये नंबर एक ऐसा नंबर है कि जब भी मैं इतने के लिए निकालूंगा ना किसी चीज को, तो जो उसका एटॉमिक मास होता है वही नंबर में बोलो क्या मिलने वाला है? उसका मोलर मास. क्या मिलने वाला है? बोलो मोलर मास. हाँ मतलब एक नहीं है. अगर एक यू बोलूं और एक ग्राम बोलूं, दीज आर टोटली डिफरेंट थिंग. जैसे मैं बोलूं एक केजी और एक टन, तो भले ही एक एक है लेकिन फर्क बहुत बड़ा है. तो वैसे ही वो एक यू है भले ही एक ग्राम है लेकिन फर्क बहुत ज्यादा है. लेकिन ये 4U है, ये 4 ग्राम है, फर्क बहुत है. लेकिन मैग्नीट्यूड वाला नंबर बोलो क्या है? सेम है. समझते हैं. देखो हमने ये जो नंबर लिया ना, ये नंबर ऐसा नंबर था, सौर ध्यान देना है, ये नंबर ऐसा था कि जब भी मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा किसी के भी एटॉमिक मास को, तो मैग्नीट्यूड में नंबर वही वाला निकल के आएगा. अगर सोचो आप दिमाग लगाना, अब मैं बहुत बड़ी बात बोलने वाला हूं. अगर तुम इसको 7 लेते, 7 × 10³, एक मोल को लेते 7 × 10³, तो क्या ये 1 आता? 1 से थोड़ा फालतू आता कि नहीं आता? तो तुम्हें एटॉमिक मास के लिए अलग नंबर याद करना पड़ता और मोलर मास के लिए. सोचो अगर यह भी 7 होता तो 4 आता, यहां पर कुछ 5-6 आता, तो एटॉमिक मास अलग याद करते और मोलर मास. एवोगैड्रो ने तुम्हारा काम आसान कर दिया. एवोगैड्रो का एटॉमिक मास याद है? एटॉमिक मास याद है? याद है सर. एटॉमिक मास बचपन सीखा, लगभग जो एटॉमिक नंबर होता है दुगना होता है. एटॉमिक मास याद है? बस एटॉमिक मास याद है तो वही उसका बोलो क्या होता है? मोलर मास भी होता है. बस यूनिट क्या होता है? ग्राम होता है. यूनिट क्या होता है? ग्राम. डोंट वरी, मैं अभी इसको क्लिक कराऊंगा तुम्हारे दिमाग में ये एक्चुअल चीज क्या है. लेकिन इस नंबर को लेने का फायदा क्या हुआ समझ में आया? अच्छा अगर मैं 6 भी लेता इसको तो भी एग्जैक्टली 4 नहीं आता. तो उनको दिखा कि यही एक ऐसा नंबर है कि जो अगर मैं लूंगा ना तो एक बड़ा नंबर भी ले लूंगा एक मोल के लिए, और दूसरी बात जो एटॉमिक मास का नंबर आ रहा होगा भाई किसका आ जाएगा? मोलर मास का भी आ जाएगा. अभी मोलर मास तुम्हारे को क्या फायदा करवाने वाला है मैं तुम्हें समझाता हूं. अगले 5 मिनट बहुत क्रूशियल हैं. टॉपिक बहुत डिटेल में अभी अगली क्लास के अंदर भी होगा, लेकिन अभी मैं बता रहा हूं कि जो मैं अगले 5 मिनट सिखाऊंगा ना ये सबसे जरूरी चीज है. तो ये 1 ग्राम पर मोल है, ये बोलो 4 ग्राम पर मोल है, ये बोलो क्या है? 7 ग्राम पर मोल है, और ये बोलो कितना आएगा? तो बच्चों मैं अब तुम्हें लेके चलता हूं असली चीज पे. अब तुम ये चाहे मैं कह रहा हूं पिछला सब भूल जाओ, अब जो बताऊं ना वो याद कर लेना, वो दिमाग में सेट होना चाहिए. आगे से मैं तुमसे बात करूं ना तो तुम लोगों को ये आना चाहिए, सर हीलियम का एटॉमिक मास तो 4U है. और क्यों है? क्योंकि इसमें 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है. क्योंकि सर 2 और 4 ऐसे होता है सर, एक पार्टिकल का मास 1U होता है. चलिए तो सर ठीक है सर. मैं बताऊं बच्चों एटॉमिक मास का कोई यूज नहीं है ज्यादा. यूज किसका होने वाला सारा? अच्छा मोलर मास क्या होता है फिर क्लिक करो. व्हाट इज मोलर मास? मोलर मास इज द मास ऑफ 1 मोल. 1 मोल एटम का मास को बोलो क्या बोलते हैं? मोलर मास. और बच्चों अगर वो 4 है तो मुझे अब किसी के लिए सोचने की जरूरत नहीं. मैं इसको बोलूंगा सीधा 4 ग्राम. क्या बोलूंगा? 4 ग्राम पर मोल. अब इसको रीड आउट करो, अब इसको रीड आउट करो. इसका रीड आउट करने का मतलब बताया क्या है? 1 मोल हीलियम के एटम्स का वजन कितना होता है? 4 ग्राम. ताने मैंने क्या बोला? 1 मोल हीलियम के एटम्स का वजन है. 1 मोल कितना होता है? 6.022 × 10³ 23 हीलियम्स. इनका वजन बोलो कितना होता है? 4 ग्राम. या उल्टा बोलो, उल्टा बोलो, 4 ग्राम हीलियम अगर कहीं है तो उसका मतलब उसमें कितने मोल एटम्स हैं हीलियम के? 1 मोल. कितने बोलो? 1 मोल. समझते हैं इस बात को. मतलब कि अगर मेरे पास एक गुब्बारा है हीलियम का, हीलियम के गुब्बारे होते हैं उड़ जाते हैं लो डेंसिटी की वजह से, तो मैंने बोला हीलियम का मेरे पास गुब्बारा है, इसमें हीलियम गैस भरी हुई है. कौन सी गैस भरी हुई है? हीलियम गैस भरी हुई है. किसी ने बोला इसमें 12 ग्राम हीलियम गैस है, 12 ग्राम हीलियम गैस है. बताओ जरा इसमें कितने हीलियम के एटम्स हैं? हाउ मैनी हीलियम एटम्स इज प्रेजेंट इन बैलून? इस बैलून में कितने हीलियम के एटम्स हैं बताओ? सिंपल. और वो देगा, और वो देगा आप लोगों को, पता है क्या लिख के देगा? ये भी देगा तुम्हें. तुम सोच रहे हो तुम्हें याद करना पड़ेगा, एग्जामिनर ही तुम्हें मोलर मास लिख के देता है.
तुम सोचो कि मेरे को याद करना है, नहीं करना है याद तुम्हें, मत करिए याद। एग्जाम ने लिख के देता है मोलर मास कितना होता है, तो मोलर मास ऑफ हीलियम उसने बोला 4 ग्राम पर मोल। इसका क्या मतलब है बोलो, कि 1 मोल हीलियम के एटम्स का वजन कितना होता है, 4 ग्राम। ऐसे पढ़ना होता है 4 ग्राम पर मोल, इसका मतलब 1 मोल हीलियम के एटम्स का वजन 4 ग्राम, या 4 ग्राम हीलियम का मतलब होता है उसमें 1 मोल एटम्स है। कितने मोल एटम्स है? अब भले ही आप लास्ट क्लासेस नहीं आए, आप छोड़ दीजिए, मैं कह रहा हूँ इसको समझ लीजिए, बस मोलर मास पकड़ लीजिए, मैं कह रहा हूँ सब भूल जाओ। अब जो बता रहा हूँ लास्ट के 10 मिनट में, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो मैंने बोला किसी का मोलर मास दे दिया, तो मोलर मास में क्या समझा, कि ये तो बता रहा है कि उसके 1 मोल का वजन कितना है, तो 1 मोल हीलियम का वजन कितना है, 4 ग्राम। या बोलूँ कि 4 ग्राम हीलियम अगर मेरे पास मौजूद है, अब ग्राम तो हमारे लिए फैमिली है यार, 4 ग्राम हीलियम मेरे पास मौजूद है, तो उसमें कितने एटम्स हैं, 1 मोल। कितने एटम्स हैं, तो अगर 12 ग्राम हीलियम है तो कितने हो गए, 3 मोल। ना बड़ा लॉजिकल आंसर है, फॉर्मूला बनवा दूंगा, लेकिन मैं फॉर्मूला मैंने बोला हमेशा आपको मैं बाद में बनवाता हूँ, पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे, फॉर्मूला बाद में बनाएंगे। तो मैंने 4 ग्राम हीलियम का मतलब 1 मोल, तो 12 ग्राम हीलियम तो सिंपल इंडिकेशन है 3 मोल एटम्स होंगे। कितने मोल एटम्स होंगे, तो मेरा आंसर तो बहुत क्लियरली आ गया, मैंने कहा इसमें तो 3 मोल हीलियम एटम्स होंगे, 3 मोल हीलियम एटम्स। क्योंकि 3 मोल क्या होता है मुझे तो नहीं समझ में आता 3 मोल कितना है, तो मैंने कहा 3 × 6 यानी 18.066 × 10³ एटम्स ऑफ, दिस इज अ वेरी ह्यूज नंबर, बहुत बड़ा नंबर है ये। तो किसी गुब्बारे में से 12 ग्राम हीलियम है तो इतने सारे एटम्स होते हैं हीलियम के। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, नहीं आया समझ में, एंड दिस इज नॉट फॉर द हीलियम। आप अब कुछ भी कर लीजिए, मैं अगली क्लास तुम्हें, मैं अपने आसपास जितनी भी चीज़ दिख रही है सबका कराऊंगा तुम्हें, बहुत सारी चीज़ों कराऊंगा ऐसी, इसका कर लो, उसका कर लो, उसका कर लो। तो अभी बात करते हैं एक और, चलो मान लो जैसे एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, छोड़ दो, बट एटॉमिक मास की टेंशन ही नहीं है, बस मुझे याद है 12 होता है, क्योंकि 6 × 2 = 12 बेसिकली। तो मोलर मास इसका कितना होगा, बस मेरे को तो इससे ही मतलब है, बस आगे से मेरे को इससे मतलब है, बस मोलर मास से। तो मैंने क्या सीखा, मैंने क्या सीखा कि मुझे कैलकुलेशन से पता लगा कि कार्बन का मोलर मास 12 ग्राम पर मोल होता है, इसका मतलब 1 मोल कार्बन का वजन कितना होता है, 12 ग्राम। अब आप कहें सर 1 मोल हीलियम का वजन तो 4 ग्राम है, 1 मोल कार्बन का वजन आप 12 बता रहे हो, ऐसा क्यों सर? अरे यार सभी आइटम का वजन अलग अलग है ना, तो कार्बन थोड़ा भारी होता है, कार्बन थोड़ा सा भारी होता है, क्योंकि कार्बन के आइटम के अंदर भैया 12 पार्टिकल है, हीलियम में थोड़े कम पार्टिकल थे तो भारी है ना, इसलिए इसके 1 मोल पार्टिकल का वजन 12 ग्राम बन रहा है, उसके 1 मोल का कितना बन रहा है, 4 ग्राम, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसके 1 मोल का वजन कितना होता है, बोलो 12 ग्राम होता है, बोलो क्लियर है कि नहीं? तो अगर मान लो बच्चों मैं तुमसे एक बहुत सिंपल सा सवाल पूछूं, मेरे पास एक सामने टेबल रखी हुई है, टेबल रखी हुई है, सोचो टेबल का छोटी चीज लेते हैं, डस्टर है मेरे पास, डस्टर है, अभी दूसरे रूम में जाएंगे वहाँ पर लकड़ी का डस्टर है, लकड़ी का डस्टर है, कौन से आइटम होंगे, कार्बन के आइटम होंगे, और बोला कि लकड़ी का जो डस्टर है ना, ये लकड़ी का डस्टर तुम्हारे पास 60 ग्राम का है, 60 ग्राम है डस्टर, ये डस्टर का वजन बेसिकली 60 ग्राम है, या बोलो कि 60 ग्राम कार्बन है, 60 ग्राम लकड़ी की चीज़ बेसिकली 60 ग्राम कार्बन से बनी हुई है, प्योर तौर पे कार्बन से बनी हुई है। अब आप मुझे बताइए कितने कार्बन के एटम्स इस डस्टर के अंदर मौजूद है, 5 मोल, नहीं आया स्वास्थ्य समझ में, मुश्किल लग रहा है, ये बहुत ही ईजी है, और तुम्हें ये समझ में आ गया ना, मैं तुम्हें बता रहा हूँ इस चैप्टर की जड़ ही है, अगर तुम्हें ये चीज़ समझ में आ गई ना तो तुम ये समझ लेना, अभी तो फॉर्मूला में सिखाऊंगा और आसान कर देंगे इसको, और आसान कर देंगे, अभी तो मैं बहुत ऊपर ऊपर से बात कर रहा हूँ, मैंने अभी कोई फॉर्मूला नहीं बताया तुम्हें, अभी मैंने इसको बिल्कुल फर्निश नहीं किया टॉपिक को, कैसे इसको फाइनलाइज करना है, लेकिन अभी बस तुम्हें अगर इतना समझ में आ गया ना, इतने में ही तुम्हें क्लिक कर गया दिमाग के अंदर, तो फिर ये चैप्टर तुम्हें कुछ नहीं लगने वाला, लड्डू लगने वाला है आगे जो भी चलेगा, सब कुछ ऐसे ही कैलकुलेट करते चलेंगे हम पूरे चैप्टर के अंदर। सो 60 ग्राम डस्टर का मतलब है 60 ग्राम कार्बन का मतलब कितना, आगे से कोई भी लकड़ी की चीज दिखे एकदम पकड़ के बता देंगे कितने कार्बन के आइटम है, बोलो मैंने कल बोला था आपको बता दूंगा इस तरह से। तो 60 ग्राम का मतलब बोलो कितना हो गया, 5 मोल, कितना हो गया, हालांकि मैं फॉर्मूला सिखाऊंगा बाद में कि मास को मोलर मास से डिवाइड कर दो नंबर ऑफ मोल्स आ जाते हैं, लेकिन वो बात की चीज है यार, फॉर्मूले बाद में देखेंगे ना, पहले कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। सौरभ बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही शायद, पक्का क्लियर है, डाउट लग रहा है आपको बताना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना कि मैं बोलूंगा तो सोचेंगे सबको तो आ रहा है मुझे क्यों नहीं आ रहा, क्या पता सबको ही ना आ रहा, सभी एक्टिंग कर रहे हैं ना, तो आपको अपना रेस जरूर क्वेश्चन करना है कि भैया मेरे को तो नहीं आ रहा सर, मेरे को एक बार बता दो फिर से, दोबारा बताएंगे है ना, क्योंकि टॉपिक जो मैं आपसे बताने वाला ना बच्चों, ये थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है स्टार्टिंग में, हम आधे घंटे में ना मोल कॉन्सेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो समय कम है बेसिकली, और मैं थोड़ा सा अभी पेस में इसलिए बता रहा हूँ, टॉपिक अधूरा ना छूट जाए, वो अधूरा तो और भी खतरनाक हो जाएगा, वो दिमाग में टेंशन नहीं चलती रहेगी, तो उसको हम एक टाइम तक खत्म कर लें। तो 60 ग्राम कार्बन का मतलब बोलो कितने आइटम्स होंगे बोलो, तो मैंने बोला 5 मोल कार्बन आइटम्स, और 5 मोल कार्बन एटम सर ये कोई मुश्किल चीज नहीं है, 5 मोल का मतलब होता है बोलो है कि नहीं, 6×5=30 हो जाएगा, और 0 2 2 को जब मल्टीप्लाई करोगे 5 से बेसिकली 1 1 0 आ जाएगा, × 10³ क्या 23 कार्बन्स। और कोई अगर ये सोचे कि सर ये तो नंबर मेरे समझ से बाहर है, अरे कुछ नहीं तुम्हारे समझ में ही है, पॉइंट लाओ 3 0 लाओ, काटो 3 0,
कितना आएगा 30110 और पीछे भी जीरो, इतने कार्बन एटम है, मुश्किल है। तो मुझे क्या लग रहा है, मुझे बस इतना पता होना चाहिए कि कोई सब्सटेंस किन एटम से मिलके बना हुआ है और उस एटम का मोलर मास क्या है, उस एटम का मास। उसके बाद तो गेम ओवर है, बोला है कि नहीं। अगर मैं तुम्हें कहूँ, अगर मैं तुम्हें कहूँ कि एटॉमिक मास ऑफ आयरन, जो कि तुम जानते नहीं हो, सपोज करते हैं एटॉमिक मास ऑफ आयरन इज बेसिकली 55-56 के बीच में होता लगभग, तो 55 लेके चलते चलो, 55-56 से ले लो, चलो 55 ले लो, 55 यू है, तो इसका मोलर मास कितना आएगा? अब टेंशन लेने नहीं कभी भी, क्योंकि मुझे पता है जो एटॉमिक मास होता है वही नंबर में, तो वही आता है ये मैजिक नंबर। इसीलिए एवोगैड्रो ने नंबर ही इतना स्पेशल बनाया कि मुझे सिर्फ एटॉमिक मास पता होगा तो मैं क्या निकाल लूंगा, और कि मुझे तो एटॉमिक, आप कहेंगे मुझे तो एटॉमिक मास भी याद नहीं सबके, आपको करना ही नहीं है यार, क्योंकि जब भी किसी चीज़ का क्वेश्चन आएगा तो वो आपको क्या देगा, वहाँ पर एटॉमिक मास लिख के देगा। मुझे नहीं पता टेंथ की बुक तक कितनी चीज़ें आप लोगों की कैसी थी, लेकिन टीचर्स ने चाहे आपको टेंथ में भी सिखाया गया होगा कि ऐसी कॉन्स्टेंट चीज़ें आपको क्वेश्चन पेपर में लिखी हुई आएंगी, एटॉमिक मासेस ये सब आपको क्या होता है, लिखा हुआ आता है, बोलो है कि नहीं। सो आयरन की अगर बात करूँगा तो इसका होता है 55 ग्राम पर मोल, चिंता मत करिए मैं याद करा दूंगा, 55 ग्राम पर मोल। अब इसका क्या मतलब है, मतलब बताओ मुझे, इसको देख के मतलब बताओ, क्या मतलब है इसका? एक मोल आयरन के एटम्स का वजन 55 ग्राम है, और मैं चाहता हूँ उल्टा भी बोला करो, मेरे को उल्टा नहीं बोलना, इसको सीक्वेंस में उल्टा बोलना है, क्या बोलो? 55 ग्राम आयरन का सेंस क्या होता है कि उसमें एक मोल आयरन के एटम्स है। सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा? सही है। अब मान लो कि मेरे पास कोई लोहे की चीज़ है, कोई लोहे की चीज़ है, सपोज करते हैं मेरे पास एक आयरन की रोड है, आयरन रोड है, ठीक है, और ये मेरे पास 1.1 केजी की है, 1.1 केजी की है। हो सकता है एक किलो 100 ग्राम की रोड है, कोई बोले कि बताओ जरा इसमें कितने का, कितने आयरन के आइटम्स हैं, थोड़ा सा मुश्किल कर दिया आपकी, है ना, थोड़ा सा बड़ा नंबर ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, बताओ 1.1 केजी कितना होएगा, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 1000 से, कितना हो जाएगा 1100 ग्राम, कितना हो जाएगा 1100 ग्राम, 55 ग्राम एक मोल का होता है, तो डिवाइड करके देख लो, वैसे 1100 अपन में 55 है ना, कितना आएगा 20 मोल आएगा, कितना आएगा शायद दिख रहा हो, 55 का दुगना होता है 110, और ये 110 से बेसिकली 10 गुना ज़्यादा बेसिकली, तो दुगने का 10 गुना बेसिकली 20 हो जाएगा। समझे नहीं ना कैसे बोलना चाह रहा हूँ, प्रिंस नहीं है समझ में, सिंपल मैथमेटिक्स है यार, और तुम सब नॉन मेडिकल वाले हो सौरभ को छोड़ के, तो तुमसे मैथमेटिक्स की मैं अपेक्षा करता हूँ हमेशा कि तुम लोग मैथ्स में तो एकदम से पकड़ लोगे ये चीज़ें, है ना। तो 1100 ग्राम बेसिकली अगर मेरे पास लोहा है, 1.1 केजी लोहा है, अब मैंने बोला ना, अब तो बड़ा आसान हो गया ना मेरे लिए, और मैं कह रहा हूँ कुछ चीज़ें कुछ और वैसे वैल्यू आ जाओ, डायरेक्ट डिवाइड ना हो रहा, चिंता मत करिए, उसका भी है डेसिमल्स में भी तो आ सकता है, इतने मोल है, मल्टीप्लाई कर लेंगे उसको, कोई दिक्कत नहीं, उससे टेंशन ही नहीं। अभी बस मेन जो बातें बताता हूँ वो सीखते चलना है आपको। तो 1100 ग्राम लोहे का मतलब उसमें कितना आयरन का आइटम है, 20 मोल आयरन का आइटम है, कितना बोलो, और 20 मोल का मतलब कितना होगा, उसको 20 से इंटू में कर देंगे, किससे बोलो, 6.0229 की पावर किससे, 23 से, एंड वी विल गेट द नंबर, तो आयरन का आइटम्स आ जाएगा। नहीं आया समझ में? तो एकदम से बहुत ज़्यादा हमने सीख लिया है, ठीक है। तो अच्छा, अभी मन में एक डाउट और चल रहा होगा, लास्ट बात करूंगा मैं तुमसे, दिस इंडिकेट्स 20 मोल आयरन आइटम्स ना, एंड 20 मोल आयरन आइटम्स का मतलब बोलो कितना, 20 इंटू में 6.0229 की पावर क्या, 23 आयरन्स, एंड मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, हो जाएगा पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं है इससे, एग्जैक्ट आ रहा है समझ में। अच्छा, लोहे की चीज़ का आ गया, लकड़ी की चीज़ का आ गया, और भैया गुब्बारे में हवा है उसका आ गया, अब जैसे ग्लास में पानी है उसका बता दो, तो वो ही बताएंगे, एकदम सब नहीं बताएंगे बच्चों, वो नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। चौक में कैल्शियम कार्बोनेट कितना होगा, समझ में आ रही बात, बहुत आसान है, सब कुछ बहुत आसान है, सारा खेल किसके ऊपर है, मोलर मास के ऊपर, सारा खेल मोलर मास के ऊपर, मतलब मैं कहता हूँ एटॉमिक मास से आता हो चाहे ना आता हो फर्क नहीं पड़ता, मोलर मास आता है क्या, तो मोलर मास आता है तो सब आता है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, है ना। तो अभी क्या है, अभी हमने आज फॉर्मूले नहीं बनाए हैं, अभी हमने इस कंसेप्ट को पूरी तरीके से लिखा नहीं है कि क्या चीज़ है, लेकिन एक ऊपर ऊपर से मैंने बात करी है, और उसके बिहाफ पे आपको दिखने लग गया कि हमारे आसपास की जितनी भी चीज़ें उसमें एग्जैक्ट कितने एटम्स हैं, मैं ये निकाल सकता हूँ, एक गुब्बारे में हीलियम के कितने एटम्स हैं बता सकता हूँ सर, एक लकड़ी की चीज़ में कितने कार्बन के आइटम बता सकता हूँ, लोहे की चीज़ में कितने आयरन के आइटम बता सकता हूँ, एक ग्लास पानी में कितने एक्स्ट्रो के मॉलिक्यूल्स है, नेक्स्ट क्लास में बता पाऊंगा सर, सिखा दूंगा तुम्हें, क्लियर होता है कि नहीं होता। तो आज हमने क्या क्या करा है बच्चों, वो ध्यान से सुनना है आप लोगों को, हालांकि आज मैं चाह नहीं रहा था कि मैं तुम लोगों को कुछ भी आज नया टॉपिक कराऊं, लेकिन फ्लो फ्लो में हो ही गया वो टॉपिक, ठीक है ना, क्योंकि बच्चे थोड़े से कम थे आज, लेकिन कोई नहीं। सो गाइस, जो बच्चे तो लास्ट क्लास से आ रहे हैं, क्या तुम लोगों को एटॉमिक मास समझ में आ गया था? एटॉमिक मास को हम यूज़ में दिखाते हैं, और अब तुम्हें समझ में आ रहा है कि ये समझना क्यों ज़रूरी था,
क्योंकि इसी के थ्रू तो मेरे को समझ में आया ना कि वो एक मोलर का क्या सीन है, बोले है कि नहीं। अगर मैं ये नहीं समझाता तो तुम्हें वो प्रॉब्लम करता कि नहीं करता, तो वो फिर रटने वाली बात हो जाती। कि हम रट के तो याद कर ही सकते हैं कि मोलर मास हीलियम का 4 ग्राम पर मोल होता है, बच्चों याद कर लो तो कौन सा, तो तब भी बन जाएगा। बट हाउ दिस 4 ग्राम पर मोल कम्स क्लियर हुआ, हाउ दिस एवोगैड्रो गिव द नंबर 6.0229 की अबाउट 23, वही स्पेशल नंबर क्यों दिया वो भी समझ में आ गया सर हमें, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। सो गाइज मैं आपको बस ये कहूंगा कि अभी हमने कुछ चीज़ सीखी है जिसमें मैंने एटॉमिक मास तुम्हें बताया, एटम के मास को जोड़ के बोलो क्या बनता है, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास तुम्हें सिखाया है। उसके बाद बहुत जरूरी चीज़ सिखा दी है भाई तुम लोगों को, मैं कहता हूँ तुम्हें मोल कॉन्सेप्ट आया कि नहीं आया। व्हाट इज मोल कॉन्सेप्ट सर? मोल कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है सर, एटम्स की संख्या ना किसी भी सब्सटेंस में इतनी ज़्यादा थी या मॉलिक्यूल्स की संख्या इतनी ज़्यादा थी कि उनको दर्जन में दिखाना या क्विंटल में टन में दिखाने से काम चलने वाला नहीं था। हाँ, लेकिन ज़्यादा चीज़ों के लिए हम कुछ ना कुछ ऐसा नंबर बना लेते हैं कि भैया डजन में बोल दो उनको या स्कोर में बोल दो उनको, है ना, ऐसे बोल देते हैं ना। लेकिन इतनी संख्या वाली चीज़ों को हम डजन वजन से काम चलने वाला नहीं है। सो वी नीड अ वेरी हाई यूनिट, और हमने वो बेसिकली कौन सी चूज़ करी, 1 मोल, एंड दैट 1 मोल इज इक्विवेलेंट टू 6.0229 की पावर क्या, 23 आइटम्स। इतनों को हमने 1 मोल बोला, इसी को सॉल्व करा तो ये निकल के आया बेसिकली ना, इज दिस फाइन? तो इतने को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, 1 मोल। दिस इज द मीनिंग ऑफ 1 मोल। मेरे को बस तुमसे मीनिंग ऑफ 1 मोल चाहिए कि जैसे एक दर्जन होता है वैसे 1 मोल होता है। यहां तक तो क्लिक है ना? अब मैंने तुम्हें सिखाना शुरू करा, जैसे बच्चों एक एटम का मास होता है वैसे 1 मोल एटम का मास भी होता है, जिसको बोलो हम क्या बुलाते हैं, मोलर मास। और तुम्हें समझ में आया मोलर मास की ताकत की, जिसको मोलर मास निकालना या मोलर मास समझ में आया था उसको बाकी सबको समझ में आने वाला है, क्लियर है कि नहीं? तो हमने अगले पेज पे क्या करा, हमने अगले पेज पे बच्चों सभी के एटॉमिक मासेस को देखा और फिर उनके 1 मोल एटम्स के मास को देखा, जिसको हम क्या बुलाते हैं, बोलो मोलर मास बुलाते हैं। डेफिनेशन लिखवा दूंगा नेक्स्ट क्लास में, द मास ऑफ 1 मोल एटम या मास ऑफ 1 मोल समथिंग इज मोलर मास। स्वास्थ्य क्लियर हुआ? तो अगर 1 का मास इतना है तो 1 मोल का कितना होगा, इतना। 1 का इतना है तो 1 मोल का इतना, 1 का इतना तो 1 मोल का इतना। लेकिन मुझे बड़ा समझ में आया कि ये नंबर इतना बढ़िया लिया उन्होंने 1 मोल का, कि जो मेरा एटॉमिक नंबर, जो मेरा एटॉमिक मास में डिजिट आता है ना, वही डिजिट मेरा किसमें आता है, बोलो मोलर मास में भी आता है। बस यूनिट बदल जाता है, यूनिट किसमें होता है, ग्राम में होता है। तो किसी को अगर सिर्फ और सिर्फ ये भी याद है ना कि भैया एटॉमिक मास क्या था, तो उसका मोलर मास ऑटोमेटिकली याद हो गया। बोलो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना था, 16 U, तो ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होगा, मोलर मास कितना, 16 ग्राम पर मोल। अब उसका मतलब बोलो कि 1 मोल ऑक्सीजन के एटम्स का वजन मिला के बोलो कितना बनता है, 16 ग्राम। या 16 ग्राम ऑक्सीजन कहीं पर अगर है तो उसका मतलब उसमें कितने मोल एटम्स हैं ऑक्सीजन के, 1 मोल ऑक्सीजन एटम्स। 1 मोल का मतलब भी पता है सर कितने एटम्स हैं, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सो मुझे मोलर मास से समझ में आया कि कहानी सर बहुत इजी होने वाली है हमारे लिए। और अगले पेज में मैंने तुम लोगों को अलग अलग एग्जाम्पल्स लेके उनके कुछ केसेस समझाने की कोशिश करी, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो मैं इसीलिए आज मैसेज करके कह रहा था कि आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वैसे तो मैं पूरे टॉपिक करा था लेकिन थोड़ा आज लेट क्लास शुरू करी थी, सो पूरा कंप्लीट तो नहीं हो पाया, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस इसके ऊपर बनाने, लेकिन बात कुछ कुछ समझ में आ गई। अगर 50% भी समझ में आ गया ना, तो नेक्स्ट क्लास में इसको पूरा का पूरा रिदम पकड़ लेंगे हम इसे, क्लियर हो गया? किसी को डाउट तो नहीं है? सौरभ श्योर? इसको घर जाके देखेंगे PDF को, वीडियो से कुछ समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि अगर अभी इस टॉपिक में दिक्कत लगे सो वेट फॉर द नेक्स्ट क्लास, क्योंकि नेक्स्ट क्लास के अंदर इस टॉपिक को हम पूरी तरीके से फाइनलाइज करने वाले, मतलब इसके बाद जब क्वेश्चंस बना लेंगे तब तक तो मेरे दिमाग खुल जाएगा कि पानी में कितने हैं, चौक में, चौक के डब्बे में कितने हैं, इसमें कितने, उसमें कितने, उसमें कितने, उसमें कितने, सारी बातें जब हो जाएंगी ना फिर तुम्हें इसमें 1% का भी डाउट नहीं रहेगा, फिलहाल अगर कुछ है भी तो। लेकिन जब तक मैंने अभी तुम्हें बताया, तुम बस आज यहाँ से 1-2 चीज़ें अच्छे से सीख के जा रहे हो। एक सीख के जा रहे हो 1 मोल कितना होता है सर, वो एक पर्टिकुलर एक नंबर है जैसे 1 दर्जन होता है, और वैसे तुम सीख के जा रहे हो मोलर मास क्या होता है। तो 1 मोल चीज़ों का मास को बोलो क्या बोलते हैं, मोलर मास। अब आज से मुझे सर कुछ चीज़ों का तो मोलर मास याद है, हाइड्रोजन का मोलर मास पता है, हीलियम का पता है, लिथियम का पता है, क्योंकि जैसे 7 U है तो 7 ग्राम हो गया, कार्बन का पता है, ऑक्सीजन का पता है, आयरन का भी पता है 55 ग्राम पर मोल, और उसका मतलब भी पता है वो 55 ग्राम पर मोल का मतलब क्या है, उसके हिसाब से मैं कितने भी आयरन के अंदर क्या निकाल सकता हूँ, कितने आइटम्स आयरन के, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? है ना, बस अब इतना ही सोचना है। इसको भी कैलकुलेटिव पार्ट पे अपनी कॉपी में भी उतारेंगे, क्वेश्चंस भी बनाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस बनाएंगे, तब जाके इसके ऊपर पूरी पूरी एक्सपर्टीज हासिल होगी, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो आज इतना ही करेंगे, अभी संडे का कल का कोई सीन नहीं है, कल अभी आप लोगों की संडे को क्लासेस इसलिए नहीं लगाएंगे बच्चों, क्योंकि अगर हम संडे क्लासेस लगाएंगे तो थोड़ा सा जो बाद में बच्चे आने ना उनके लिए बहुत सारा छूट जाएगा, तो फिलहाल तो कुछ टाइम तो हम संडे क्लासेस नहीं लगाएंगे। तो नेक्स्ट क्लास अपनी कब है, मंडे को है, फिजिक्स की है, डायमेंशनल एनालिसिस में सब बच्चे मौजूद थे, लास्ट क्लास में डायमेंशनल फॉर्मूला करा था, तो मंडे वाली क्लास के अंदर हम उसके आगे चलेंगे, छुट्टी नहीं करनी है, इंपॉर्टेंट क्लास है परसों, ठीक है ना? आ जाते हैं आप लोग।